हेलो दोस्तों, आज मैं नंबर एनालॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जो प्रीवियस ईयर में सीजीएल का एग्जाम में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर 12 का रिलेशन 72 से है, 22 का रिलेशन 242 से है, तो 18 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 12 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, ठीक है। ये 6 कैसे आ रहा है, 12 का आधा 6 है। सिमिलरली अगर 22 के साथ, 22 का आधा कितना है, 11 है, 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 242 आएगा, ठीक है। 18 के साथ 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 3, 162। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 2809 के रिलेशन अगर 53 से है तो 1024 का रिलेशन किसके साथ होगा। 2809 क्या है, एक बड़ा नंबर है, एंड 50 ये क्या हो सकता, 53 का स्क्वायर हो सकता, तो 53 का स्क्वायर क्या होगा, देखो इसको स्क्वायर हम कैसे करें, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09, इसको 09 से लिखना होगा, एंड क्या लिखना होगा, देखो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है, 9 है, उसके बाद 0 को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा तो 0 आएगा, 5 के साथ 3 को ऐड करना पड़ेगा तो 8 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2809, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 53 के स्क्वायर, तो यहाँ 1024 किसका स्क्वायर होगा, देखो लास्ट में 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, ये नहीं हो सकता। 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 5 आएगा, बट 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, तो ये होगा, तो आंसर होगा 32। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, अगर 7 का रिलेशन 329 से है तो 9 का रिलेशन किसके साथ होगा। 329 क्या है, 7 का क्यूब का आसपास है, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 343, 343 से अगर 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 329 आएगा। ये 14 कैसे आ रहा है, अगर 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ रहा है। सिमिलरली अगर 9 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 729 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, 711 आएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन 4, 711। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n अगर कोई नंबर है तो n क्यूब माइनस 2n, ठीक है, ये है इसका रूल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अगर 52 का रिलेशन 221 से है, 64 का रिलेशन 272 से है, तो 20 का रिलेशन किसके साथ होगा। देखो 52 से 221 कैसे आएगा, अगर 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8208 आएगा, बट यहाँ पर क्या आ जाए, 221, 208 के साथ अगर 13 को ऐड करेंगे तो 221 आएगा, बट 13 कैसे आ रहा है, 13 कैसे आ रहा है, अगर 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। इन सिमिलर वे 64 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, प्लस 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। इस 16 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 272 आएगा, ठीक है। तो 20 को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 20 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, एंड डिवाइड करने से 5 आएगा, इजिकल तो कितना होगा, 85। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, 85, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका फॉर्मूला होगा 4n प्लस n बाय 4, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अगर 6 का रिलेशन 252 से है तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 252 क्या है, 6 का क्यूब के आसपास है, अगर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है।
बट यहाँ पर क्या है 252, इसके साथ अगर 36 को ऐड करेंगे तो आएगा 252। ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर होगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, एंड 125 के साथ 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 150। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा, 150 आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n अगर कोई नंबर है तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, 72 का रिलेशन 14 से है, 87 का रिलेशन किसके साथ होगा ये पूछा गया है, एंड 96 का रिलेशन 54 से है। ठीक है, देखो 72 से 14 कैसे आएगा, ये इजी क्वेश्चन था। अगर 72 को 7 × 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आएगा, सिमिलरली 9 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, सिमिलरली आपस में अगर 8 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 8 56 आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 72 का रिलेशन 108 से है, 102 का रिलेशन 153 से है, तो 84 का रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है, 72 से 108 कैसे आएगा, अगर 72 प्लस 72 का हाफ कितना होता है 36 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 2 8 एंड 7 प्लस 3 108 108 आ रहा है। 36 कैसे आ रहा है ना, 72 का आधा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 102 के साथ, 102 का आधा कितना होता है 51 होता है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 153 आएगा। सिमिलरली 84 प्लस 84 का आधा कितना होता है 42, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा। ऑप्शन में है तो ऑप्शन 2 आंसर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है n अगर कोई नंबर है तो n प्लस n बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 4 का रिलेशन 69 से है तो 11 का रिलेशन किसके साथ होगा। 4 का रिलेशन 69 से है, 4 से 69 क्या है दोस्तों, 69 4 का क्यूब का आसपास नंबर है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अगर 64 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 69 आएगा, सिमिलरली अगर 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1331 आएगा। इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा, 5 को ऐड करना पड़ेगा, अगर 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1336 1336 जो ऑप्शन में है, तो ये आंसर होगा। तो इसका ये रूल है, ये फॉर्मूला है, अगर n कोई नंबर है तो n क्यूब प्लस 5 करना पड़ेगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 13 का रिलेशन अगर 109 से है तो 24 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 13 से 109 कैसे आएगा, अगर 13 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 104 आएगा। ठीक है, एंड 104 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो 109 आएगा। सिमिलरली अगर 24 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 192 आएगा, एंड 192 के साथ भी 5 को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 197 आएगा, जो ऑप्शन 2 में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 8n प्लस 5।